मूली के साथ घुलकर भी ना खाएं, ये पांच चीजें, नहीं तो जहर का काम करेगी, सेहत को होगा नुकसान। ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें, अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धंधा वॉइस में। इन चीजों के साथ भूलकर भी नहीं करें मूली का सेवन। सर्दियां शुरू होते ही बाजार में सलाद और पराठे का स्वाद बढ़ाने वाली मूली भी नजर आने लगती है। मूली का सेवन करने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते हैं। मूली में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और विटामिन ए, बी और सी की प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो स्वाद के साथ अनजाने में सेहत से जुड़ी कई परेशानियां भी दूर करते हैं। मूली का सेवन गैस की समस्या में राहत देने के साथ इम्यूनिटी और पाचन तंत्र को भी हेल्दी बनाए रखता है। सेहत के लिए इतनी फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं, मूली का सेवन अगर गलत चीज़ों के साथ कर लिया जाए तो ये सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने लगती है। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच फूड के बारे में, जिनके साथ भूलकर भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर वन, मूली के साथ करेला। मूली के साथ गलती से भी करेले का सेवन ना करें, इससे कब्ज की परेशानी हो सकती है और दिल से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर टू, मूली के साथ दूध। जब भी आप मूली खाएं, ध्यान रखें कि दूध ना पिएं, इससे आपकी त्वचा से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। नंबर थ्री, मूली के साथ खीरा। अक्सर लोग सलाद में खीरा और मूली दोनों को एक साथ मिलाकर खाते हैं, आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। नंबर फोर, मूली के साथ संतरा। गलती से भी संतरा और मूली को एक साथ ना खाएं, दोनों को एक समय खाने से आपको पाचन से संबंधित परेशानियां हो सकती है और कब्ज दस्त हो सकता है। नंबर फाइव, मूली के साथ चाय। लोग अक्सर सुबह खाली पेट चाय पीने के साथ खीरा खा लेते हैं, ऐसे में आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसीलिए चाय पीने के बाद खीरा खाने से बचें। मेरे बताने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट बॉक्स में राधे राधे और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।